गजल के प्रोग्राम में आप देखना कभी, वो गजलों के साथ साथ उनके डायलॉग्स भी चलते हैं और गजलों का प्रोग्राम हो और कोई भी गजल सिंगर हो, अगर वो जगजीत जी की गजल ना गाए तो वो उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, बिकॉज जगजीत जी मतलब हिंदुस्तान में गजल मतलब जगजीत साहब। अब गजल वालों की आदत होती है जब वो गजल गाते हैं, एक तो पहले बीच में डायलॉग चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे चलते हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, वो साथ साथ में ढूंढते रहते हैं कि कौन ज्यादा रिस्पांस दे रहा है, जैसे यहाँ से मुझे ज्यादा आ रहा है, ये सिंगर है ना, तो वो ढूंढते हैं कौन से। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, दिख गया ना कोई आपके जैसा कोई, फिर उधर की रिस्पांस दे रहा है, बाकी सारी गजल जान बाकी सांस रुकी हो बिल्कुल। फिर उनके डायलॉग भी आते हैं, मैं जानता हूं आपको मेरे सहारे की जरूरत नहीं, मैं बस साथ देने आया हूँ। अच्छा, बीच में मान लो एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ आई, फॉर एग्जांपल आप जो है ना, लेडी पूरा मजा ले रही है, हस्बैंड जो है चार पैक टाइट हो गया, वो गजल पे खराब ही कर रहा है उल्टा, वाह उसको दारू पी के पता नहीं चलता कि जगजीत जी नहीं गा रहे हैं, कोई और ही गा रहा है, वाह जगजीत जी वाह, वो फिर उसकी बीवी पे ध्यान ज्यादा देता है, उसको पता है ये सुनने वाली है, तो जो बीवी होती है ना वो भी साथ में गाने लगती है धीरे धीरे, गजल चीज ही ऐसी है ना। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, तो जो बैठी गजल सुन रही होती है ना वो पूरा फील लेती है, वो फिर उसको पता पति तो मेरा बेवड़ा है, गजल तो एंजॉय करे, तो फिर गजल वाले को हर मुलाकात, ये गजल वाला अलग गा रहा है, ये औरत है, हर मुलाकात पे मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। और जब सुबह फंक्शन खत्म होता ना तो जो दाद दे रहा होता है वो उधर ही गद्दे पे पड़ा होता है, बीवी गायब होती है, वो गजल वाला ले भागता है। एक्चुअली क्या होता है, प्यार होता है गजल से, उस चक्कर में वो सिंगर से भी हो जाता है, नॉस्टैल्जिया है ना जगजीत साहब का, और गजल तो चीज ही ऐसी, लोग तो भजन गा के बटा लेते हैं। जब से कैरियोके म्यूजिक आया ना, हर कोई कुमार शानू अलका याग्निक बन गया, मैंने देखा है। दिक्कत तब जब आती है इनको, इन्होंने तो हारमोनियम का मुंह भी नहीं देखा होता, तब जब किसी पार्टी में जाते हैं ना गाना ट्राई करते हैं तब इनका काम खराब होता है। तो कैरियोके में क्या होता है, वो जो जो लिरिक्स बोलना होता है ना, जो जो वर्ड, वो रेड होता जाता है। हाँ। ये अपने दिमाग से काम लेते हैं, ये रेड की वेट करते हैं, कभी कभी ताल ऊपर नीचे हो जाती है, फिर कैसे गाते हैं, तो डरे भी रहते हैं कि शुरू हो गया गाना। ये बेताले भी होते ना, होट तेरे दिल मेरा लगे मुझे तेरा जमके दे हटाए तू ही नींद मेरी चैन मेरा मेरे साथ कोई अच्छा, ये शुरुआत तो सही कर देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो जब इनकी ताल वाल बिगड़ती ना फिर म्यूजिक में कसूर निकालते हैं, ये वाला फास्ट था इसीलिए छूट रहा है वो, मेरा प्रैक्टिस उस पे हुआ है जैसे
स्लो पिच, वो करोके ने फास्ट कर दिया। फिर बीवी कवर करती है, ये वो बड़ा अच्छा गाते हैं, तुम देना साथ मेरा, वो बड़ा अच्छा अच्छा गाते हैं। तो वो आदमी दूसरा ट्राई करता है, मैं एक और सुनाता हूँ आपको। फिर जिसके घर में पार्टी होती है वो बात बोलता, अरे नहीं नहीं भाई साहब खाना ठंडा हो रहा, आओ 10 बजे पुलिस आ जाती है, आज 8 बजे आ गई आपके चक्कर में, आओ आओ। पहले जब ऑर्केस्ट्रा होते थे ना तो तब कॉर्डलेस माइक नहीं आते थे, तार वाले माइक होते थे, तो उनको आदत थी कोई भी गाना गाते थे साथ साथ में तार संभालते रहना, एक एक छल्ला यहाँ पे बना लेना। जिए तो जिए कैसे लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके। लेकिन आजकल आजकल आप देखो वायरलेस माइक आ गए, तो जो पुराने सिंगर उनकी आदत नहीं छूटती पता, वो पकड़ तो लेते हैं कॉर्डलेस, बीच बीच में तार आ जाती है उनके मन में, फिर वो कवर कैसे करते हैं। जिए तो जिए लगता नहीं बिन आपके।